नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन इलाकों में वोटिंग होनी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण किशनगंज लोकसभा की सीट भी शामिल है। किशनगंज में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि कोई स्थानीय मुस्लिम चेहरा या नेता नहीं होने का फायदा ओवैसी की पार्टी ने उठाया। पिछले तकरीबन 10 सालों से सीमांचल के पिछड़ेपन को बड़ा मुद्दा बनाते हुए ओवैसी लगातार यहां दौरा कर रहे हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने किशनगंज लोकसभा सीट पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को मैदान में उतारा है। इस सीट पर महागठबंधन में कांग्रेस की तरफ से मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद और एनडीए की तरफ से जदयू के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम के अलावा भी कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। खासकर उन नेताओं की बात करेंगे जिन पर किसी भी तरह का कोई भी आपराधिक मामला दर्ज है। किशनगंज लोकसभा से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में मुजाहिद आलम जदयू, मोहम्मद जावेद कांग्रेस, अख्तरुल ईमान AIMIM, सहाबू जमा भारतीय राष्ट्रीय समाज पक्ष, बाबुल आलम बहुजन समाज पार्टी, मोहम्मद गुरफान जमाली निर्दलीय, हसीरुल निर्दलीय, विश्वनाथ टूडू निर्दलीय, विदेशी ऋषिदेव निर्दलीय, रवि कुमार रॉय निर्दलीय, मोहम्मद कौसर परवेश निर्दलीय, छोटे लाल महतो निर्दलीय का नाम शामिल है। बात करें उन उम्मीदवारों की जिन पर किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज है तो इस कड़ी में कुल 5 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम है जदयू उम्मीदवार मुजाहिद आलम का, जिनके ऊपर रुपए मांगने, गाली गलौज करने और मारपीट करने से जुड़ा मामला दर्ज है। इसके अलावा AIMIM के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान, राष्ट्रीय समाज पक्ष के सहाबू जमा भारतीय, बहुजन समाज पार्टी के बाबुल आजम और निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद गुरफान जमाली पर किसी न किसी तरह का आपराधिक मामला दर्ज है। बात करें किशनगंज की राजनीतिक इतिहास की तो किशनगंज जिला पश्चिम बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। इस इलाके को सीमांचल या सीमांत क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पहली बार 1957 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। तब से लेकर अब तक इस सीट पर केवल एक बार हिंदू सांसद ने जीत दर्ज की है। 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार लखन लाल कपूर चुनाव जीते थे। इसके बाद से मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। सियासी गलियारों में ऐसा भी कहा जाता है कि ये सीट ऐसा है जहाँ मोदी लहर भी काम नहीं करती है। मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के वजह से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी यहां से अपना उम्मीदवार उतारते रहे हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की सीट शेयरिंग में किशनगंज लोकसभा क्षेत्र जदयू के खाते में गई है। बहरहाल, आपका इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।